हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड मैग्नेट एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि 11,300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और वहां से गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे। आज अगर आप देखो, आपको दिन में दो बार अपॉर्चुनिटी मिला होगा। 11,300 हाई बनाया, फिर वापस फॉल हुआ। 11,300 वापस इसने हाई बनाया और फिर वापस हमें एक फॉल देखने को मिला। सो मैंने आपको 11,300 का लेवल एकदम क्लियरली बोला था वीडियो में कि 11,300 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो आपको 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ काफ़ी अच्छा शॉर्ट बनता है। अब अगर आप डेली चार्ट देखो तो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना है आज के दिन में, तो थोड़ा सा व्यू अब साइडवेज रहेगा। और मुझे लगता है 11,300 अगर क्रॉस करता है तो वापस मार्केट अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है, और अगर 11,190 के नीचे वापस जाने लगा तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ये 100 पॉइंट का रेंज है, थोड़ा सा साइडवेज रहेगा मुझे लगता है, और उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल सकता है। 11,300 के ऊपर आपको बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 22,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 22,000 के आसपास अगर कोई भी बाउंस मिलता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। आज अगर आप हाई देखो, 21,840 का हाई बनाया, उसके बाद हमें एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। 21,300 तक लो बनाया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा आप साइडवेज हो सकता है और रेंज बाउंड हो सकता है एक दो दिन के लिए, और उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल दोनों इंडेक्स में व्यू थोड़ा सा साइडवेज है, रेंज बाउंड है, लेकिन निफ्टी अगर 11,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको अपसाइड की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको SBI लाइफ बाय दिया था 816 के ऊपर। इसमें आपको इंट्राडे में काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा क्योंकि ये 831 तक जाके आया है। मैंने आपको HUL सेल दिया था 2060 के नीचे, इसमें भी आपको इंट्राडे में काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा क्योंकि इसमें भी एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि SBI लाइफ और HUL ये दोनों में आपने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया है। और मैंने आपको जो लुपिन का ट्रेड दिया था बाय लेवल, उसमें बाय लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है, तो लुपिन में हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया है। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का स्ट्रक्चर काफ़ी नेगेटिव लग रहा है मुझे, और अगर आप देखो एक आज का एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया है इसने, मारू बोजू कैंडल बनाया है और राउंड ऑफ नंबर के नीचे क्लोज हुआ है, और फॉलो थ्रू सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली कौन से लेवल पर सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा IGL। IGL का स्ट्रक्चर भी काफ़ी नेगेटिव है, और आज अगर आप देखो इसने ये जो लो था, IGL अब काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, 386, 387, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखो ये बार बार ये लेवल रीटेस्ट हुआ है, आप देख सकते हो, और अब अगर ये टूटता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो IGL में आपको ध्यान रखना है शॉर्ट की तरफ, एग्जैक्टली कौन से लेवल पर शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा UPL। UPL का स्ट्रक्चर भी मुझे नेगेटिव लग रहा है। इसमें अगर आप देखो एक बड़ा फॉल आया था, फिर इनसाइड कैंडल बना दो कैंडल, और फिर वापस एक बड़ा फॉल आया है, और मुझे लगता है यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन सकता है, लेकिन उसके बाद एक फॉलो थ्रू सेलिंग हमें और देखने को मिल सकता है। सो UPL में भी आपको ध्यान रखना है। पोजिशनली UPL काफ़ी बेरिश लग रहा है, इसमें आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। एग्जैक्टली कौन से लेवल पर शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज के लिए वीडियो में इतना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।